विभिन्न प्रश्नों को लेकर आज अरूली के विधायक गणेश नाइक ने नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर से मुलाकात कर नवी मुंबई के ज्वलनशील मुद्दों पर अपनी आक्रामक भूमिका अख्तियार की है। इस बैठक में गणेश नाइक की विभिन्न मांगों का ज्ञापन थाने के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक के माध्यम से सुपुर्द किया गया। बता दें कि जून 2023 में नवी मुंबई के विभिन्न ज्वलनशील मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एरोली के विधायक गणेश नाइक ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सिडको और एमआईडीसी द्वारा नवी मुंबई महानगर पालिका के सामाजिक उपयोग के भूखंडों की बिक्री का मुद्दा उठाया था और उस समय मुख्यमंत्री से तुरंत उन भूखंडों की बिक्री को तत्काल रद्द करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद आज एरोली और घनसोली के 40 प्लस मैदान को एमआईडीसी के अधिकारियों द्वारा बिल्डरों की झोली में डालने के अधिकारियों की नापाक मंसूबों को इस दौरान आयुक्त के साथ बैठक में गणेश नाइक ने इसका पर्दाफाश करते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका अधिकारियों को रडार पर लिया और तुरंत महानगर पालिका के सामाजिक उपयोग के सभी भूखंडों को एमआईडीसी और सिडको से तत्काल हैंडओवर करने का मुद्दा प्रखरता के साथ उठाया। मैंने आज बोला है कि कलर्स चैनल पे शिव शक्ति नाम का एक सीरियल चालू है, उसमें त्याग तपस्या और तांडव ये तीन वाक्य उधर लिखे हुए हैं। ये तांडव करने के हमारी तांडव मतलब क्रोध होने के बाद में तांडव नृत्य हो जाता है। उतना क्रोध तो आता है लेकिन तांडव करने की मन में इच्छा न होते हुए भी कभी जरूरत से वो तांडव नृत्य होने की संभावना ना ही नहीं बोल सकते, इसलिए उनको हमने चेतावनी दी है, उसमें से रास्ता निकलेगा ऐसा मैं समझता हूँ। साथ ही SRA2 के नाम पर नवी मुंबई करों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर 10 FSI इस्तेमाल करने की कुछ राज्य के षड्यंत्रकारियों को उन्होंने निशाने पर लिया। इस दौरान गणेश नाइक ने कड़े शब्दों में कहा कि शहर का विनाश नहीं होने देंगे और विरोध उनका कायम रहेगा। SRA2 में 10 FSI का वापस इस्तेमाल करने का सोचा है। 10 FSI इस्तेमाल हो जाएगा ना तो मोरबे जैसे 3 तालाब बनाने पड़ेंगे। तो मैंने निश्चय व्यक्त किया हमारे शहर में हमें रहना है, श्वास लेके रहना है, स्वास्थ्य के साथ रहना है। यहाँ पे कोंडवाड़ा बोलते हैं ना, कोंडवाड़ा नहीं हमें नहीं बनाने का। हमारे शहर को भले थोड़ी सहूलियत कम होगी तो चलेगा लेकिन हम लोग हमारे शहर की बर्बादी नहीं चाहेंगे। षड्यंत्र है यार ये, किसके लिए? मतलब खुद का पैसा कमाने का ये साधन है और हम लोगों ने उसको विरोध किया है कि हाँ लोगों को जो भी उसमें ऐसे कि लोगों के लिए मकान बनाएंगे और मकान बना के वो बेचेंगे। सरकार क्या सरकार को जरूरत है? और जाना उधर तुम्हारा पनवेल इलाके में कौन सा हो, नैना में उधर बनाओ। दुनिया भर की जगह पे मुंबई में रहने के लायक कोई स्थिति नहीं है। मैं एकनाथ जी शिंदे को देवेंद्र पंडित अजित दादा को दोष नहीं दे रहा हूँ लेकिन जिन निकम्मे लोगों ने इस ढंग का विकास करने का सोचा ना उन्होंने भविष्य काल का कोई सोचा नहीं है। बस अपना कमाओ नोट और अपनी जिंदगी मस्त सुख के साथ बिताओ, आगे का जनरेशन मर भी जाए तो इसको उनको परवाह नहीं है, इसलिए हमने विरोध किया। इतना ही नहीं, गणेश नाइक ने मोरबे धरण के पानी को गैर कानूनी तरीके से बेचने के अधिकारियों के मंसूबों को एक्सपोज कर ये आरोप लगाया कि आगामी चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवकों को किसी के इशारे पर जबरन टारगेट कर उनके विभाग में पानी की कटौती की जा रही है। हमारे सूरज पाटिल ने वो बात का जिक्र किया कि ऐसी फाइल बन रही है तो मैंने बोला वो फाइल मेरे पास लेके आओ और उसका और पूरी इंक्वायरी की जाएगी। वो अधिकारी ने ये फाइल बनाने को उसको आदेश किसने दिया, किसके कहने से बनी? और आयुक्त को मैंने बोला कि पूरा पाइपलाइन को छानबीन करो कि उसमें कितने जगह पे एक्स्ट्रा पाइप लिया है, इलीगली लिया है, उसका भी अंदाजा आना चाहिए। गणेश नाइक ने आयुक्त को इशारा दिया कि पानी को लेकर इस राजनीति को वह होने नहीं देंगे और जनता के हितों की रक्षा के लिए आयुक्त का घेराव कर आंदोलन का तांडव किया जाएगा। अमित मेडकर ने बहुत सारे लोगों ने कहा कि कहीं लोगों के राजनीतिक इरादे से वहाँ पे रखे हुए कॉन्ट्रैक्टर उनके मजदूर वहाँ पे पानी कम करना
आरोप तकरार करेंगे वो लोग तो पानी छोड़ना, ऐसा राजनीति चल रहा है, वो राजनीति नहीं चलनी चाहिए। जनता भले कौन से भी पार्टी की हो, सबको एक जैसा जो सम्मान मिलना चाहिए उनको सुविधा मिलनी चाहिए, और उसके लिए हम लोग आगे चल के पाठ पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, गणेश नायक ने वंडर पार्क के मुद्दे पर भी अपनी आक्रामक भूमिका अख्तियार की। हम जो रविंद्र इतापे यांनी आपल्या वंडर पार्कच्या विषयी तक्रार केली, तर मी एक साधारण 10-12 दिवसांमध्ये अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन जाणार आहे की शेवटी हे महानगरपालिका, महानगरपालिका 95 पासून माझ्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी, आता आम्ही निर्माण केलेल्या गोष्टी जर नीट टिकणार नसतील तर मग शेवटी त्या ठिकाणी दुसरे लोक आम्हालाच देतील, आणि म्हणून मी जाणार आहे। बता दें कि इस बैठक में पूर्व नगर सेवकों ने भी गणेश नायक के माध्यम से अपने वार्ड के विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए आयुक्त को ज्ञापन सुपुर्द किया और समस्याओं के निराकरण की मांग की। अरे हमारा संपत्ति सेवालय भी विक्टिम है, हमारे आनंद सुतार भी विक्टिम है, डॉक्टर नाथ भी विक्टिम है, अमित मेडकर विक्टिम है, सूरज पाटिल विक्टिम है, गुरखेप भी विक्टिम है, सभी नेत्र सिरके पर कोई जुलम है, हमारे भोईर मैडम भी विक्टिम है। अरे जो प्यार से बहुत मैंने कानून के तौर पे बात करी थी ना, वो लोगों को भी दखल नहीं, यानी अच्छा नहीं हो, लेकिन जिन लोगों ने माँ बहन की गाली बकते हुए किसको दम दिया ना, ऐसे लोगों के काम होते हैं, ये दुख की बात है। हालांकि मुंबई में जो पैटर्न है, थाना में पैटर्न है, वही पैटर्न चलाना चाहिए, इधर अलग पैटर्न चलाने की किसकी इच्छा है। तो मैंने बोला कि किसका फोर्स होता हमें बोल दो ना, वो महोदय को हम बोल देंगे कि भाई तुम्हारा ये बोलना करना सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।